हेलो स्टूडेंट, 11th NCERT द लिविंग वर्ल्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस का कंसेप्ट वाइज महासंग्राम चल रहा है। सभी कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए लाइन वाइज, NCERT लाइन वाइज। तो क्वेश्चन नंबर 11th तक इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन करेक्ट है वो तो हम लोग छोड़ देंगे और जो इनकरेक्ट है उसे वही ऑप्शन सही है। आल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल्स के बने होते हैं, सही बात कह रहा है, सही है तो ये सही होगा नहीं। दीज केमिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मेड एंड चेंज इंटू सम अदर बायोमालिक्यूल, सही बात है, चेंज होते रहते हैं। थाउजेंड ऑफ मेटाबोलिक रिएक्शन अकर इन इनसाइड आल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी ऑप्शन सही है तो ये भी नहीं सही होगा। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कह रहा है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म करते हैं, कभी भी नहीं करते, यही तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डिफाइन करता है लिविंग और नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सो मेटाबॉलिज्म नो आगे लिख दिया गया, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स इज ग्रोथ, तो ये ऑप्शन सही है, ये सही नहीं होगा। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग क्राइटेरिया ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लीकेटिंग बाई इट सेल्फ, नहीं कर सकता, सही बात है। म्यूल्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूज, म्यूल्स कभी नहीं रिप्रोड्यूस कर सकता और ये कह रहा रिप्रोड्यूस करेगा तो यही गलत है, यही ऑप्शन सही है, फोर्थ सही है। क्वेश्चन नंबर 14, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिस्पॉन्ड टू दियर इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई ऑफ फॉलोइंग टाइप, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल तीनों तरीके से कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स एनिमल्स में, ओनली प्लांट्स में, ओनली एनिमल्स में, बोथ में, दोनों में करता है, क्योंकि एनिमल्स में चिड़िया उड़िया आ जाती हैं, प्लांट में क्या आते हैं गेहूं धान, ये सीजनल भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस होता है, सेल्फ अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप को अवेयरनेस करना, जागरूक करना। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटिस्टा यूकेरियोट, सेकेंड थर्ड ऑप्शन ओनली ह्यूमन्स, फोर्थ ऑप्शन आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो क्या सही होगा? थर्ड ऑप्शन ह्यूमन बीइंग ओनली ऑर्गेनिज्म व्हिच इज अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो ह्यूमन ओनली है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, कह रहा है कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, सही बात है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू अराइज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन एमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, ये भी सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल आर नॉट प्रजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेल, फोर्थ ऑप्शन प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल डोंट अराइज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन एमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेल। इस क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल हैव, यहाँ लगा दीजिएगा, कहाँ पे लगाना है? यहाँ पे, ये डू नॉट अराइज के बाद यहाँ हैव लगा दीजिए, तब ये सही हो जाएगा, हैव लगा दीजिए, क्योंकि इसमें जो है सेल ऑर्गेनेल के कुछ गुण ऑर्गेनेल में स्थित मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से नहीं होती हैं, बल्कि मॉलिक्यूलर कंपोनेंट के इंट्रैक्शन की वजह से है, इसीलिए मॉलिक्यूलर कंपोनेंट के इंट्रैक्शन की वजह से होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल हैव ए रिजल्ट ऑन इंट्रैक्शन एमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑर्गेनेल्स, तो यहाँ हैव लगा देंगे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और इसका ये सोल्यूशन दिया गया है, ये पढ़ लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल डू नॉट अराइज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन एमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेल। क्वेश्चन नंबर 8, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बायोलॉजिकल इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ,
फोर्थ ऑप्शन सही होगा, सेकंड नहीं फोर्थ ऑप्शन सही होगा, बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग इवॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटिंग इंटेक्टिव सिस्टम, ये तो एकदम सही है। सेकंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं कभी नहीं, तो यही गलत हो जाएगा, यही गलत है, तो ये इनकरेक्ट पूछ भी रहा था, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बायोलॉजिकल इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ये एकदम सही है। अभी हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, ये भी ऑप्शन सही है। तो ये भी सही है, दिया है, ये भी सही दिया, ये भी सही दिया, यही नहीं सही दिया है, तो यही सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नंबर ऑफ स्पीसीज नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन, अभी नंबर ऑफ स्पीसीज पूछ रहा है, मिलियन देख लीजिए कहाँ लिखा है, मामा हम बोले थे उसमें, मामा जैसे लिखते हैं कैपिटलियम, वैसे यहाँ मिलियन याद करना है, बिलियन नहीं, 1.7 से 17-18 याद करिए, 1.7 से 1.8 मिलियन, मिलियन कहाँ पे दिया है, मिलियन यहाँ दिया है, 17-18 मतलब 1.7 से 1.8, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 21, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज, बायोडायवर्सिटी का डिफिनीशन भी है, दे रिफर टू बायोडायवर्सिटी आर द नंबर नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, तो कौन सा ऑप्शन सही था, बायोडायवर्सिटी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाएगा, तो उसी को तो नामनक्लेचर करते हैं, स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नामनक्लेचर, नामनक्लेचर का डिफिनीशन भी है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23,